फॉरेस्ट एरिया में हुए कल एनकाउंटर जवानों की शहादत हुई है कैप्टन रैंक के अधिकारी के सहित। आज उसका विरोध इस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की इकाई यहां पर कर रही है और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जो है वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी शहीद जवान अमर रहे के यहाँ पर स्लोगन्स दिए जा रहे हैं और प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर आज कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जम्मू की बात करेंगे तो लगातार जो है साइड फ्रेम जा फ्रेम ला यार तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस इस समय प्रोटेस्ट करती हुई इंडियन आर्मी जिंदाबाद एक तरह का क्या फोन देखी यार फ्रेम तो कांग्रेस का यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट चलता हुआ आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ भी आज यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं अगर आप जम्मू में सूरत हाल देखेंगे तो लगातार आतंकी हमले जो है वो देखे जा रहे हैं और स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण जरूर हुई है जम्मू की। देखिए इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता तो पाकिस्तान के खिलाफ आज कांग्रेस का यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है और फिलहाल कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर आज दिखे। वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जो है वो खुद यहाँ पर आए और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जाहिर सी बात है डोडा के देसा फॉरेस्ट में बीती रात एक आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ था, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद से ही वहां पर सर्च ऑपरेशन बीती रात से जारी था। सुबह ये जानकारी मिली कि चार जवान जिसमें एक कैप्टन रैंक का ऑफिशियल अधिकारी शामिल है उनकी शहादत हुई और उसके बाद गुस्सा कहीं ना कहीं हर एक भारतीय में है कि आखिर लगातार पाकिस्तान की शह पर जो है वो आतंकी संगठन जम्मू में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस समय कांग्रेस जो है वो निकलकर सामने आई है। इस समय की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो फिलहाल ये शहीदी चौक है और कांग्रेस का जो कार्यालय है जम्मू का वो यहीं पर है और इस चौक में फिलहाल पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है और कांग्रेस की ओर से आज प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ पर किया गया। रमन भल्ला जो थे वो जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के उन्होंने इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर लीड किया और कुछ ही देर के बाद कोशिश करेंगे रमन भल्ला से यहाँ पर बात करने की कि आखिर क्या उनके व्यू पॉइंट हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को ना कोसते हुए पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की। साइड हो जाओ साइड हो जाओ जैसे भल्ला साहब ने बताया कि हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए, उनके साथ सरकार के साथ पूरा सहयोग करते हैं रोज और रोज। आप लोगों को पता है 78 दिनों में 11 बड़े हमले हुए हैं और 48 के करीब हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू सुबह हब ऑफ मिलिटेंसी बन गया है, इसके खिलाफ हम रोष प्रकट कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा आतंकवाद के विरोध में और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये सरकार से हम मांग करते हैं कि आतंकवाद पे कंट्रोल किया जाए और जिस तरह से बढ़ता आतंकवाद है इससे उनके पोल खुल गए हैं और वो देश को गुमराह करते हैं। इसलिए हम सरकार को जरूर पूछना चाहते हैं कि क्या कदम उठा रहे हैं। सेना और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस तो अपनी जान की हथेली पे रख के लड़ रहे हैं लेकिन इतना आतंकवाद
जो जम्मू सूबे में बड़ा है, इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वो वजूहत है, कहीं आपका सुरक्षा तंत्र, इंटेलिजेंस तंत्र या जो ब्रिटिश डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको आपने कमजोर किया, कमजोर पड़े, जिसकी वजह से आतंकवाद इतना पनप रहा है। इसलिए पाकिस्तान तो इसमें शामिल है ही, आतंकवाद का जड़ पाकिस्तान है, लेकिन क्या कदम सरकार उठा रही है जी, हम मांग करते हैं, हम अपनी सेना और सिक्योरिटी फोर्स की बहादुरी पे उनके साथ खड़े, उनके परिवारों के साथ खड़े। मैं समझता हूँ कि सरकार टोटली फेल हो चुकी। जब प्रधानमंत्री रिव्यू लेते हैं और उनकी सरकार बने हुए तीसरी बार उन्होंने शब्द ली और कितने बड़े बड़े हमले हो गए, फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग की, डिफेंस मिनिस्टर ने रिव्यू की, हमारे जितने भी हैं होम मिनिस्टर ने रिव्यू किया, तो रिव्यू क्या किया? उसके बाद भी आतंकवाद की वारदातें बढ़ती चली हैं, जो पीसफुल एरिया था इतनी मुश्किल से जो पटरी पे यहाँ पे कुकून व्यवस्था को ठीक यहाँ पे किया था, वो कहीं ना कहीं पे डीरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त में जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, यहाँ पे असेंबली के चुनाव की घोषणा किसी वक्त हो सकती है, तो उस वक्त सरकार कहाँ पे है जो बड़े बड़े दावे करती थी नोटबंदी तोड़ने के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे और फौजियों की शहादत का सिलसिला, हम उन फौजियों के साथ खड़े हैं जिनकी जाने यहाँ पे गई, उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, जो जख्मी हैं दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे रिकवरी उनकी हो पाए। लेकिन आज रियासी, आज डोडा, कहीं बसंतगढ़, कहीं दूसरी जगह पे, और डोडा में फिर कितनी बार यहाँ पे अटैक होना, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, उनका होम मिनिस्टर की चुप्पी तोड़नी चाहिए, एक्शन ले। आज लोग याद करते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, ये आंखों से आंखें बात करने की कोशिश करते थे, बयान भी नहीं देते। आज लोग एक्शन चाहते हैं, लिप सर्विस नहीं चाहिए दिल्ली की सरकार के नेताओं की, एक्शन दे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आतंकवाद का खात्मा हो। शहीद जवान अमर रहे, 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 शहीद जवान अमर रहे। अब जिनके पास मैंडेट है उन्होंने बताना है भी वो क्या एक्शन लेते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर का आवाम, हिंदुस्तान का आवाम फौज के साथ यहाँ पे खड़ा है, इसलिए वो मांग करते हैं कि कदम सख्ती से उठाए ताकि यहाँ पे दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि अब जिनके पास मैंडेट है उन्हें ये फैसला करना है कि कार्रवाई किस प्रकार की होगी। जाहिर सी बात है, सवाल मेरा ये था कि क्या पाकिस्तान पर अब एक्शन का समय है, तो जवाब ये है कि जो मैंडेट लेकर बैठे हैं वो फैसला करें कि क्या होना चाहिए, लेकिन हम सेना के साथ खड़े हैं, जिनकी शहादत हुई है उन्हें नमन करते हैं, ये कहना है कांग्रेस का। और जाहिर सी बात है, अगर आप हम लोग की बात करेंगे, आतंकी गतिविधियों की बात करेंगे, तो इजाफा जम्मू संभाग में पिछले कुछ अरसे में हुआ है, 38 आतंकी हमले, और माफ करिएगा 38 दिनों में बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं, और साथ ही साथ अगर आप शहादत की बात करेंगे तो शहादत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट बेल्ट है, जो आउटर रीजन है, उनमें जो है वो टेरर एक्टिविटी एक बड़ी है, और अब जरूरत है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाए ताकि आतंकवाद का फंड जो अभी आतंकवाद उठाने की कोशिश कर रहा है वो दोबारा से कुचला जाए, निस्तनाबूद किया जाए। नमस्कार।